हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट रियाज एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं तो कुछ वीडियोस जो हैं वो ऑटो प्ले हो जाती हैं, ऑटो जो है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाती हैं। इससे होता क्या है कि दोस्तों, हमारा जो है डेटा काफ़ी सारा जो है वो कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि उसकी कौन सी सेटिंग है जिसको करने के साथ जो है हम ऑटो प्ले वीडियो की सेटिंग को जो है वो ऑफ़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि मैं फेसबुक पे हूं और यहां पर हम इस तरह से जब हम स्क्रॉल डाउन ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे तो यहां पर देखें, अब ये वीडियो है खुद ब खुद जो है ये ऑटो, मैं इनको प्ले नहीं कर रहा, ये खुद ब खुद ही जो है ऑटो प्ले हो रही हैं। ठीक है, इस को हमने इस सेटिंग को जो है बंद करना है कि ये वीडियो जो है जब हम चाहें तो तब ये प्ले हो, वैसे ऑटो प्ले ना हो। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो उसके लिए करना क्या है कि दोस्तों, यहाँ पर आपको थ्री लाइन नज़र आ रही हैं, इनको हमने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एक गियर जो है आइकॉन नज़र आ रहा है जिसको हम सेटिंग बटन कहते हैं, इसको हम क्लिक करेंगे और नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे तो नीचे सबसे नीचे आते जाएं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीडिया एंड कॉन्टैक्ट्स, इस ऑप्शन को हमने क्लिक करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन है ऑटो प्ले की। तो दोस्तों, इनको आपने नहीं छेड़ना, इनको इस तरह से ही रहने देना है। सिर्फ आपने ऑटो प्ले जो है ऑप्शन है इसको आपने क्लिक करना है इस तरह से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ऑटो प्ले वाली ऑप्शन है, ये देखें, ये टिक हो गई है, यानी कि यहाँ पर टिक लगा हुआ है, यानी कि ये सिलेक्ट हुई है। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि ऑन मोबाइल डेटा एंड वाईफाई कनेक्शन पर ये ऑटो प्ले हो जाएगी। अगर हम इसको करते हैं कि नेवर ऑटो प्ले वीडियोज़, और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ़ ये मोबाइल डेटे पर प्ले ना हो, सिर्फ वाईफाई कनेक्शन पर ही प्ले हो, तो फिर आप इस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑटो प्ले कभी ना हो तो फिर आप नेवर ऑटो प्ले वाली ऑप्शन को, यानी कि नेवर ऑटो प्ले वीडियोस की ऑप्शन को क्लिक करेंगे इस तरह से, और यहाँ पर नीचे सेव सेटिंग हो जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों वापस फेसबुक पे, देखते हैं कि वीडियो आया ऑटो प्ले होती हैं या नहीं होती, आया जो हमने सेटिंग की है वो वर्क भी कर रही है या नहीं। तो होम पे आए, अब आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस जो पहले प्ले हो रही थी, अब ये ऑटो प्ले नहीं हो रही। अब ये तभी प्ले होगी जब हम यहाँ पर प्ले के बटन को प्ले करेंगे, ये देखें। ठीक है, इसी तरह आगे चलते हैं, ये देखें, ये भी एक वीडियो है लेकिन ये ऑटो प्ले नहीं हो रही। अब हम इसको प्ले करेंगे तो ये प्ले होगी। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये है कि फ़र्ज़ करो आपने अपने मोबाइल में एक पैकेज लगाया हुआ है 10 MB का, या सॉरी 10 GB या 5 GB का, जितना भी लगाया, तो आपने वीडियो एक भी नहीं देखी और इस तरह से ही बस आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, अप डाउन करते हैं और वीडियो जो है ख़ुद ब खुद अपलोड होती हैं और प्ले होती हैं, तो आपका वो डेटा जो है ख़त्म हो जाएगा। और आप कहेंगे, यार मैंने तो कुछ देखा ही नहीं और डेटा जो है वो ख़त्म हो गया। तो यहाँ से अब वो आपका डेटा जो है, सिर्फ जो ब्राउजिंग का डेटा है वो ही कंज्यूम होगा, और जब आप वीडियो जो प्ले करेंगे उस पर ही डेटा जो है वो खर्च होगा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।